यकीन करें उसका टायर भी टेढ़ा हो गया बेचारा पांव से चलाई जा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश। आज देखते हैं जी ये गाड़ी निकल पाती है या नहीं। माशाल्लाह ये भी पुलिस की गाड़ी भी फंस गई है, धक्का लगा रहे हैं सारे। ओए होए हमारी गाड़ी भी फंस चुकी है जी। बस 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 सर बस, एक और गाड़ी फंस चुकी है। और इन शॉर्ट्स में आपको पता चलेगा कि ये बड़ा ही खूबसूरत सहरा है जहाँ पे जीप रैली हो रही है, खासा मुश्किल काम होता है जी। अभी इस गाड़ी को टो चैन किया है, रस्सा यहाँ लगा दिया एक को और वो पीछे ब्लेड के साथ ले आए। गई 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 गई, शाबाश शाबाश शाबाश, दुआ करें दुआ करें। हाँ जी ये पीछे से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गई 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 जी, गई 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 गई, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। पहुँच चुकी है गाड़ी और अच्छा ये जो है ना अभी कैटरिंग का सामान लगना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक है आपके, खैरियत से हैं? आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है, एक हम इवेंट करने जा रहे हैं इधर थल के इलाके में जो कि छठी जीप रैली है। हमारी गाड़ियां पीछे फंसी हुई हैं और दिखाते हैं कि आज का इवेंट कैसे चल रहा है और गाड़ियाँ कैसे निकलती हैं, कौन सी गाड़ियाँ हैं और सारी सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हमारी जो है ना गाड़ी फंस चुकी थी, अभी एक हेल्प के लिए ट्रैक्टर मंगवाया है तो उनकी मेहरबानी है, निकल गई है सर। हैं अच्छा ये हाल है जी, शुक्रिया जी। इस रैली पे यही मज़ा होता है कि हर तरफ आपको रेत ही रेत नज़र आएगी और ये बकरियां भेड़े। हाँ भतरीजा ठीक है? हाँ इन्हें आइए, क्या हाल है? ठीक हो? ओए का कहीं डेक, क्या हाल है? पढ़ता कोई नहीं? क्यों? हाँ बकिया चला जान छुट्टी ना, तो खीर शीर पीना उन्हें। हाँ। अच्छा मजा आना उसी है। दूर 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 दूर। एक और गाड़ी फंस गई थी यहाँ पे कैटरिंग की और ये देखें सूरत हाल। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि दूसरी गाड़ी को भी निकलवा दें, असल में रेत के टीले हैं हर तरफ। और चलो 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 चलो, और फिर उस पर बड़ा मसला हो जाता है। चली गई चली गई चली गई, शाबाश शाबाश शाबाश। ये जी हमारा इवेंट्स का जो काम होता है ये खासा मुश्किल काम है, हर जगह पे ये यहाँ पे जीप रैली हो रही है तो उसके अभी जो है ना वो इंतजामात चल रहे हैं। फिर ट्रैक्टर जो है ना फंस गई है। ड्राइवर आपस में ही लड़ पड़े हैं। अभी जी गाड़ी को दोबारा बांध रहे हैं, बैक करेगी गाड़ी आगे से, आज देखते हैं जी ये गाड़ी निकल पाती है या नहीं और क्या सूरत हाल बनती है। तकरीबन 6-7 घंटे हो गए इन गाड़ियों को फंसे हुए। और इसके साथ एक और चीज़ दिखाऊं, माशाल्लाह पुलिस की गाड़ी भी फंस चुकी है पंजाब पुलिस, माशाल्लाह ये भी पुलिस की गाड़ी भी फंस गई है, धक्का लगा रहे हैं सारे। और ये इधर से ट्राली फंसी हुई है और इधर से पुलिस की गाड़ी। यहाँ पे इंतज़ामिया का काम होता है कि पानी शानी मार देते हैं लेकिन यहाँ पे कोई पानी नहीं मारा हुआ और सारे ये इस वक्त जो है वो तकलीफ़ में आए हुए हैं। और ये ज़ाहिर सिक्योरिटी वाले हैं तो इनका भी ड्यूटी होती है। और उधर से ट्राली का काम चल रहा है, ट्रैक्टर ट्राली का, और इधर से ये इनका पुलिस का डाला फंस चुका है। कसवर यार हेल्प करा दी,
और ये ट्राली जो है अभी पीछे आएगी, स्टेशन में वज़न बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, और पीछे आके फिर इसको सामने लेके आएंगे, ट्राई करेंगे। यकीन करें दोस्तों, ये सुबह से हम फंसे हुए हैं, कितने घंटे हो गए हैं, पहले ट्रैक्टर अरेंज नहीं हो रहे थे, अब अरेंज हुए हैं तो वो गाड़ियाँ नहीं निकल रही। बस 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 यार ड्राइवर भी कोई पूरे दिनों का है, और पीछे ट्राली रस्सा बंधा होता है, उसको पता भी है। और उस्ताजी रोको ना सही, आगा 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 करो ड्राइवर। असल कसो रावण यार, गाड़ी रुक ही नहीं पा रही है, ना तजर्बाकार बंदा है। रसा खोलू? अच्छा हाँ यार खोल, रसा खोल। दुआ करेंगे ये गाड़ी निकल जाए, इतनी देर से हम फंसे हुए हैं, पुलिस की गाड़ी बेचारों की वहां फंस गई है। ये जो बड़ी गाड़ी आप देख रहे हैं पंजाब टूरिज्म की, ये भी फंस गई थी, और हमारी छोटे वाली जो गाड़ी है वो निकल जाती है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे थोड़ा सा तजर्बा चाहिए होता है रेत के टीलों के लिए, और वो पुलिस की गाड़ी भी वापस आ रही है, अल्लाह करे निकल जाए। दोबारा से बांध रहे हैं आगे, और आगे बांध के इनको खींचने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे ड्राइवर जो है हम कोशिश कर रहे हैं बैठ के। अल्लाह करे निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। सर हिम्मत करके ना, वह ट्रैक्टर खड़ी है। पुलिस की गाड़ी भी नहीं वेंदी सही, सच्चा है वो शोधा, इन्हें कोले भी नहीं वेंदी पई ना, हम पीछे ही नहीं वे आंदी। बस 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 सर बस, एक और गाड़ी फंस चुकी है। ये देखे जी, काम हो गए, सारी गाड़ियां फंसती जा रही है, ये फिर ये बस बैठ गई है, हमारा भी काम खराब करेगा ये। मंगवा वालों को करो फोन, लग गया था डाला ये तो सर साहब क्या बन सी हूं? सर बड़ा मुश्किल थी, बड़ा मुश्किल हो गया, अजाब हो गया, तो गाड़ी आ रही है वही फंस जा रही है यार, इनको पानी मारना चाहिए था सारा ना, मतलब जी हर दफा आंदे ओए होए होए होए, बाइक गिरी 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 गिरी, गई 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 गई, निकल गई निकल। एक और गाड़ी फंस गई है जी, और सारे मिल के उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
शुक्र है ये पीछे चली जाती हैं और आगे का कोई रास्ता नहीं। ये जी एक गाड़ी पीछे से पुश करेगी और एक को टो चैन कर रहे हैं उस ट्रैक्टर के साथ, वो इधर लगेगी तो फिर ट्राई करते हैं। ये बहुत ही मुश्किल जगह है, ये यहाँ पे ना रेत है और अगर इस पर पानी मार दिया जाता तो बड़ी आसानी हो जाती। अब क्योंकि पानी यहाँ पे है नहीं और बिल्कुल ही वो टायर जो है वो नीचे दब जाते हैं, उसके बाद उसको बैक किया जाता है, बैक करने के बाद फिर उसको आगे लेके आते हैं। और फोर व्हील जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी आराम से चली जाती हैं, जिस तरह ये आप गाड़ी देख रहे हैं बहुत सारी फोर व्हील जा चुकी हैं यहाँ से। इस जगह पे थोड़ी सी टेक्निक चाहिए होती है, गाड़ी जिस तरह ये फ्लो में जा रही है उसको रोकना नहीं चाहिए, तो जो भी रोकता है वो रुक जाता है यहाँ पे। जी अभी इस गाड़ी को टो चैन किया है, रस्सा यहाँ लगा दिया एक को और वो पीछे ब्लेड के साथ ले आए, आगे करें ना थोड़ी सीधी करें गई, शाबाश दुआ करें। हाँ जी ये पीछे से वेरी गुड गई जी वही माशाल्लाह। चले दो ट्रैक्टर एक ट्राली को निकालने के लिए और इधर पाँव में क्या फंस गया यार, कांटे फंस गए। गई शाबाश। माशाल्लाह जी यहाँ से तो निकल गई है, अब आगे भी एक टीला है, उससे आगे भी एक है, वहाँ पे जाना है एंड में, तो खासा मुश्किल हो रहा है। और इधर जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनका भी कुछ करना पड़ेगा। क्या ना हो गड्डी, आगे चलते हैं जी। ये इस तरह की गाड़ियाँ बड़े आराम से निकल जाती हैं और हमारे ऊपर धूल फेंक के चली जाती हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं, ओ ये देखें ये जल्दी से गाड़ियाँ चली जाती हैं, रेस वाली हैं। दो सवारियाँ ही लेते जाएं यार मोटरसाइकिल पे। ए मोटरसाइकिल ये केड़ा मॉडल है? ये मॉडल है 2009 मॉडल है। ओ यार क्या आश्चर्य किया पे, पाकिस्तान में पुरानी शहर खेते हैं। अच्छा इन्हें तो थ्रेशर तो नहीं चले रहे आगे? नहीं जन्ना है। अच्छा किन्ने डांदे रे ओ गोड़ाला। अच्छा बाबू मैं देना किमे तुसा वेंदे हो, बैठे देखते हैं। हां रास्ता सीधा करो, गाड़ियां तो फंसती रही हैं, अब इनको देखते हैं ये जाते हैं कि नहीं। शाबाश एक और भी आ गया शहजादा, वाह गई। शाबाश चली गई। यकीन करें उसका टायर भी टेढ़ा हो गया। बेचारा पांव से चलाई जा रहा है। शाबाश मैं भी देखता कि मैं वेंदी है। शाबाश गई। ओ यार मैं थक गया वीडियो बना के। चले गई। उस्ताद जी थोड़ा अपना माशा इतना पता नहीं। यही गाड़ियां निकल जाती हैं, धक्का लगा और तो और बाइक पे भी धक्का लगाना पड़ रहा है। अल्लाह अकबर, हालत खराब हो गई है।
ये जी हमारी गाड़ी जा रही है। मैंने कहा इधर मत रोकना मुझे उठाने के लिए, पता चले वो नीचे बैठ जाए। अभी उस टीले पे जाना है वो सामने। बहरहाल जी ट्रालियां हमारी पहुंच चुकी हैं, अब आगे चलते हैं उस जगह पे, क्या इंतजाम हो रहे हैं, कितनी गाड़ियां मौजूद हैं वो दिखाते हैं आपको। गाड़ियां फंस रही थी जी, हमारी भी फंस ही गई है आखिर। चलो इसको किधर लगाएगा कसवर साहब। यहाँ से ना कल्टस के साथ लगा दें, वो जो खड़ी है ये इधर ये वाली। टायर सीधे रखो भाई जान, टायर सीधे। अच्छा टायर सीधे रखना यार। ओए होए हमारी गाड़ी भी फंस चुकी है जी। पीछे गेंद वाले पीछे लाड़े वाल फंस गए सी। पीछे ले जा ले जा ले जा बेटा जी। पहुंच चुकी है गाड़ी और अच्छा ये जो है ना अभी कैटरिंग का सामान लगना शुरू हो गया। और ये अंसर भाई हैं जो कि हमारी कैटरिंग कर रहे हैं। यार अंसर भाई जलील हो गए आज तो यार। बिल्कुल, और पानी भी नहीं मारा हुआ ना जी। पानी क्या नहीं है, कतरा ही पानी कतरा। ये बड़ी टेंशन है। और शुक्र है अल्लाह का आ गई है गाड़ियां। तो यहाँ पे गाड़ियां लाइन अप हो चुकी हैं टीले के ऊपर और अभी इनकी टैगिंग होनी है। बकायदा से रैली जो है वो कल से आगाज होगा। वहाँ पे भी एक कनोपी लगनी है बड़ी खूबसूरत, वहाँ पे नीचे करके गेट लगेगा। और इधर हो रही है जी मीडिया कवरेज, ये कवरेज हो रही है जी रैली की, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। कैसे हैं भाई, ठीक है? ए आर भाई और कौन कौन सा है? 92 एक ही शॉपर में। क्या बात है यार, लगते प्रेस क्लब पूरा आया कड़े जी। क्या हाल है सी, ठीक हो जनाब, खैरियत ना लो जी? बाबर भाई, हाँ बाबर भाई नहीं आए अभी, पता नहीं वो क्यों। अल्लाह का शुक्र है आप सुनाएं, ठीक ठाक खैरियत से? ठीक ठाक। ये जी इस तरह से अब यहाँ पे मीडिया कवरेज वाले दोस्त पहचान जाते हैं, हालांकि मैंने मास्क पहना हुआ है। तो ये गाड़ियाँ लाइन अप हो चुकी हैं इस तरह से, अब इनकी जो है ना वो टैगिंग का सिलसिला जारी है। अभी जी इस इवेंट की जो इवेंट हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे इंतज़ाम आते हैं, क्या क्या हो रहा है, तो उसका जो है मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाने वाला हूँ। ड्रोन के शॉट देखें कि किस तरह से ये मौसम कैसा है, यहाँ पे जो है गाड़ियाँ कितनी आ चुकी हैं। साथ साथ आप देख रहे हैं कि ड्रोन के शॉट, और इन शॉट्स में आपको पता चलेगा कि ये बड़ा ही खूबसूरत सहरा है जहाँ पे जीप रैली हो रही है। खासा मुश्किल काम होता है और बड़ी जान जोखों में डाल के ये इस तरह के इवेंट्स जो है ना करते हैं लोग, करते हैं दूर दराज से, पूरे पाकिस्तान से रेसर जो हैं आए हुए हैं। और आज का जो दिन है वो यूँ समझे कि गाड़ियों की टैगिंग हो रही है, और टैगिंग होने के बाद कल जो होगा वो क्वालिफाइंग राउंड होगा, और उसके बाद फिर दो दिन और भी रेस के होंगे। तो इस तरह से ये इवेंट होता है, और इस इवेंट के होने से यहाँ के जो लोगों का रोज़गार है वो भी बढ़ता है, और यहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं, और इस इलाके को जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिल रही है। तो ये एक ख़ास चीज़ है कि जो कि जीप रैली पर होती है। और इस तरह आप ड्रोन शॉट देख रहे हैं, कितना खूबसूरत मंज़र है इस वक्त। रेत होती है, जैसे कि मैं मट्टी मट्टी हो रहा हूँ, तो इस तरह मट्टी मट्टी हो जाता है बंदा, लेकिन इसमें यह है कि इन्जॉयमेंट होती है। तो उम्मीद है जी आज की जो हमारी वीडियो है, आज का व्लॉग है, बड़ा अच्छा लगा होगा। कल जैसे ही रैली होगी, क्वालिफाइंग राउंड होगा, उस पर भी एक व्लॉग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और उस पर किस तरह रंग होते हैं, रेस कैसे होती है वो दिखाएंगे। और उसके बाद जब प्रीपेयर्ड कैटेगरी, और उसके बाद जो है ना स्टॉक कैटेगरी की जैसे रेस होगी तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।